आओ समाजवादी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी हाँ मैं आपसे सवाल लेता हूँ जी मैं लेता हूँ जी। नाम बदलने में बीजेपी से आगे कोई नहीं है, स्टेशन से लेकर के गली तक के नाम इन्होंने बदल डाले, तो इनसे बड़ा कोई नहीं। और जनसंघ से भाजपा बने कि नहीं, नाम बदला कि नहीं, कौन से कारनामे छिपाए थे? और प्रधानमंत्री लाल डायरी ढूंढ रहे हैं, अपने सत्ता में जो काले कारनामे हुए हैं वो काली डायरी कहाँ छुपा रखी है वो भी एक बार बता दें। वो कह रहे हैं कि एक कोई इल्जाम बताइए जो 14 से अभी। यही बीजेपी के लोग थे जब अडानी पे मामला उठा तो यही बचाने के लिए आ गए थे, क्या इनका मुद्दा था? दूसरा, जब मणिपुर पर बवाल होता है, उस पर सवाल होता है, तो वही स्मृति ईरानी लाल हो जाती, गुस्से से जवाब नहीं देती। प्रधानमंत्री बस से घूम रहे हैं, क्यों बस से घूम रहे हैं? इसका मतलब है इंडिया बहुत अच्छी बैठी है। हाँ। ये चाहते हैं कि चोरी अगर घर में हो तो उसकी रिपोर्ट अस्पताल में कराएं क्या? तो पुलिस थाने जाना पड़ेगा ना, जो लॉ और वो है होम मिनिस्ट्री के पास है। जब अमित शाह बोल चुके कि मैं इसके ऊपर स्टेटमेंट दूंगा, तो क्यों नहीं सुनते हो? क्यों नहीं बोलते हो जी? पहली बात आपने कही, इन्होंने कहा कि ये चैलेंज है कि एक कोई इल्जाम जो हो वो मुझे बताया जाए जो व्यापम घोटाला, अभी पटवारी घोटाला हो गया, कफन घोटाला, ताबूत घोटाला, क्या क्या घोटाले इन्होंने नहीं किए जी। वन भाई जस्ट गिव मी मैं इनको चांस दे रहा हूँ। बिल्कुल 125 दिन की सरकार थी मध्य प्रदेश में और 128 घोटाले कर दिए। राइट बस मैंने ले लिया। वेरी क्विक इन्होंने कहा व्यापक घोटाला, सुन लो भैया, व्यापक घोटाला या कमलनाथ जी दो वर्षों तक रहे मुख्यमंत्री, एक जांच बताइए आपने बिठाई हो? नहीं बिठाई, क्योंकि आपको पता है कि घोटाले में कुछ है नहीं, निकलेगा नहीं, बदनाम हो जाएंगे। और तो सुनो, काले पे काला वो रंग है ना सर, जिससे सब ढक सकते हैं, लाल डायरी भी ढक देंगे, यूपीए के सारे घोटाले भी ढक के ऊपर इंडिया लिख देंगे, इसीलिए काला है। और ये बात कर रहे थे कि नाम बदलने से, समाजवादी पार्टी वही है ना सर जो जाके नहीं टोटी जो जो जाके कहते थे बाबरी मस्जिद के पैरोकारों पे कि तुम समझौता मत करना, तुम केस लड़ना। इनको बहुत प्रेम है इलाहाबादी से, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रहेगा या वो मुगल हथियार से हमारे माँ बहनों का इज्जत लूटने आए थे उसके नाम पे रहेगा। नाम बदलता है तो बदलना चाहिए। मैं आज कहता हूँ, इंडिया को चैलेंज करता हूँ, बख्तियारपुर जिसने नालंदा को जलाया उसके नाम पे स्टेशन। आ गया बेटा, आ गया, कहाँ से आना हुआ भाई? आराम से बैठो, मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स जी। सर यही दिल्ली से, मैं कह रहा हूँ नाम बदलने की बात हो रही है तो अगर खच्चर का नाम चेतक रख देंगे तो क्या घोड़े की तरह थोड़ी भागने लग जाएगा? एक बात, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक ठाकुर। क्या काम करते हो? सर पढ़ रहे हो, अभी तो पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई में दिमाग लगाओ, ज्यादा सारा दिमाग पढ़ाई में लगा, खच्चर घोड़े में लगा, मारे काम कर। देखिए इन्होंने बात की थी लाल डायरी कहाँ गई, अरे भाई वो लाल डायरी भाजपा लेकर नहीं आई, इनके सरकार के मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस में वो बात कही और जब वो लाल डायरी लेकर सदन पहुंचे तो लात घूसों के साथ मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे इनके नेता। मैं दे दूंगा जी। प्रतीक भाई, वसीम बरेलवी साहब, रुकिए, प्रोफेसर साहब का शेर सुनिए, प्रोफेसर साहब का शेर जी। प्रतीक भाई मैं आया भाई, जी साहब आप कभी नहीं करते थे ये, आपने पता नहीं की बुरी आदत सीख ली जी। वसीम बरेलवी साहब का बड़ा मशहूर शेर है, आपने शायद सुना हो, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था, पतंजलि से आए, बड़े सलीके से मैं ऐतवार ना करता तो क्या करता, बताइए क्या करूं मैं? झूठ तो आप बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? जो साहब बोल रहे हैं, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है महाराज, झूठ अगर सामने से आता है और वो साहब सामने जाते झूठ अपना रास्ता बदल लेता है, कहता वो सीनियर है हम जूनियर है। मिसाल के तौर पे 15-15 लाख हर किसी के अकाउंट में आएंगे, फिर वो जुमला बन जाएगा। पेट्रोल और डीजल 35 रुपए में बिकेगा साहब,
होना चाहिए। बिक रहा है ना मार्केट में 35 रुपए में पेट्रोल, सबको मिल रहा होगा, मिला ना। घरेलू गैस के दाम 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए हो जाएंगे, ऐसा नसीब वाला चाहिए नहीं चाहिए। 1100 रुपए का पार है।